देखिए लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण जो है प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद रोज मैंने घोषणाओं का पिटारा जो है वो खोल रही हैं, और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग मर रहे हैं। आज जो है दुर्घटना हुई, 24 लोग बिहार के जो है उस दुर्घटना में मारे गए हैं, लोगों को रास्ते में भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसी हालत है। तो क्या इंतजार करना पड़ेगा इन लोगों को कि साहब ये जो घोषणा कर रही है निर्मला सीतारमण वो जो है सब पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही इन लोगों को राहत मिलेगी? क्या हमारी सरकार इतनी अक्षम है कि सड़कों पर जो पैदल चले जा रहे हैं, मैंने प्रसव हो जा रहा है रास्ते में, इस तरह की स्थिति है, उनको हम लोग घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? रास्ते में उनके लिए भोजन का इंतजाम यह देश नहीं कर सकता है? 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर जैसे सरदार लोग जो है गुरुद्वारे में लंगर चलाते हैं, उन्हीं को आप व्यवस्था दे दीजिए। लेकिन ये अजीब मैंने कारुणिक अमानवीय दृश्य दिखाई दे रहा है, और रोज निर्मला सीतारमण जो है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा घोषणा अभी बाकी है। सुना है कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, और प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमा हुआ है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही माने अंतर विरोध है, और एकदम अमानवीय स्थिति देश में बनी हुई है। बाकी आज उन्होंने जो घोषणा किया है वो सब कुछ माने निजीकरण की दिशा में ठेला जा रहा है। यहाँ तक कि रक्षा संसाधन है, हमारे यहाँ जो इसरो है, इसरो में भी मैंने प्राइवेट प्लेयर्स जो है उसमें भी भाग लेंगे। तो ये सब कुछ जो है मैंने सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में मैंने देने का सारा जो है घोषणा आज के दिन तो यही हुआ है। रक्षा विनिर्माण में जो FDI है 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। क्या बोला बताइए, विदेशी निवेश जो है अब वो रक्षा के क्षेत्र में जो है मैंने उन्हीं का जो है बहुमत होगा, उन्हीं की जो है मैनेजमेंट तक उनके हाथ में जाएगा, जिसका 50+1 होता है, मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है। तो ये सरकार जो है अपने चरित्र को का इजहार जो है कर रही है कि हम किनके लोग हैं और किनके लिए हम सरकार चला रहे हैं। कोयला खनन में अब प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्रों को भी देने की घोषणा हुई है, पहले ये सिर्फ सरकारी क्षेत्रों के अधीन था, अब आम लोग भी कोयला खदान लेकर के, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कोयले के दाम कम दाम में अच्छे कोयले। अब इसका नतीजा जो है मतलब दुर्भाग्य ये है आदिवासी क्षेत्रों का कि जहां वो रहते हैं उन्हीं के जमीन के नीचे कोयला है, अवरक है, तामा है, लोहा है, सब कुछ उन्हीं के क्षेत्र में है। और जितना ज्यादा मैंने इस तरह का काम होगा, माइनिंग का काम होगा, उतना ही उनका विस्थापन होगा। उस इलाके में मैंने जल जमीन और जंगल जिनका सदियों से जिनका कब्जा रहा है, जिसके साथ जीवन उनका जुड़ा हुआ है, वो वहां से विस्थापित होंगे, बेदखल होंगे, वो बंधुआ गुलाम की तरह ये जो माइनिंग कंपनियां जाएंगी उनके नौकर होंगे, यही होने जा रहा है। पर्यावरण का उसी तरह से नुकसान होगा, प्रकृति के खिलाफ और ज्यादा हिंसक व्यवहार होगा। ये जो घोषणा हुई है उसके जरिए हम यही कल्पना कर सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन प्रवासी मजदूरों से बातचीत की जो अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए सुखदेव बिहार फ्लाईओवर पर चल रहे थे। इस बीच सूचना मिली कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है, उन लोगों को जो कि अपने गाँव लौट रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस पर अपना कहा है कि यह गलत सूचना है कि राहुल गांधी से मिलने वाले प्रवासियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। कैसे जानकारी आ गई कि उनको हिरासत में लिया गया है? कोई ना कोई बात होगी, उसी के से ये बात निकली होगी, खबर आई होगी कि पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब माने एक तो सरकार जो है उनको कोई राहत नहीं दे रही है, और दूसरे तरफ अपने तकलीफ का बयान मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल लीडर से करते हैं तो इसको अपराध मान करके उनको गिरफ्तारी होती है। तो यही तो राज चला रहे हैं मोदी जी, इसी तरह का राज चल रहा है। सरकार ने गैर सर्जिकल सामानों के निर्यात की अनुमति दी है, न कि मास्क, सर्जिकल मास्क के निर्यात की अनुमति दी है, ये गलत है, सिर्फ गैर सर्जिकल सामानों की।
अनुमति मिली। अभी इसकी जरूरत क्या है, आगे जो है कौन सी स्थिति बनेगी इसको देखते हुए कम से कम मेडिकल सामानों का निर्यात तो पर माने पाबंदी लगानी चाहिए। अभी इसकी जरूरत क्या है जिसको लेकर के बाजार में भ्रम पैदा हो कि वो कोरोना वाला सामान का निर्यात हो रहा है या गैर कोरोना वाला।